हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? चल, बहुत एक लंबे समय तक हम लोग रुक गए थे, कुछ काम कर रहे थे, इस पे आपके लिए कुछ कंटेंट तैयार कर रहे थे, इसी वजह से थोड़ा दिन गैप लेना पड़ा। आज से हम फिर से स्टार्ट करते हैं, नए टॉपिक, नए सिरे से, नए तरीके से। अब तक हम पढ़ चुके हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, यानी ड्रग जैसे हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो उसका अब्जॉर्प्शन होता है, अब्जॉर्प्शन के बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, देन मेटाबॉलिज्म, देन उसका एक्सप्रेशन हो जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद का जो अगला स्टेप होता है उसको हम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग कहते हैं। जैसे ये मान लीजिए कैपिलरी से, ठीक है, या कोई वेन्स या आर्टरी मान लीजिए, जब हम यहां से किसी ड्रग को इंजेक्ट करते हैं, मान लीजिए आईवी रूट से हमने दिया, ठीक, आईवी रूट से दिया तो ड्रग हमारा ब्लड स्ट्रीम में आया। अब ये जो ड्रग ब्लड स्ट्रीम में है तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोला था, यानी कि ड्रग को जो डोज फॉर्म में था पहले, ये ठीक है, डोज फॉर्म से लेके ब्लड स्ट्रीम में आने तक को हमने क्या बोला था, इसको बोलते हैं अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन, ठीक है, यानी कि ये अब्जॉर्ब हो गया। अब ये ब्लड स्ट्रीम से ये जो सेल है हर ऑर्गन में जाता है, पहले ऑर्गन से फिर वो टिश्यू लेवल पे जाता है, तो ये किसी किसी टिश्यू के बहुत सारे सेल हैं, राइट। तो ये ब्लड स्ट्रीम से ये ड्रग फिर आगे भी तो जाएगा, यहाँ प्लाज्मा में जो रिसेप्टर होंगे इस ड्रग के उससे बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद ये फिर टिश्यू में जाएगा, ऑर्गन लेवल पे जाएगा। तो जब ऑर्गन या टिश्यू लेवल पे जाता है तो हम इसको, यानी ब्लड स्ट्रीम से ऑर्गन या टिश्यू लेवल पे जब यही ड्रग जाता है ये जो रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के बाद, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। यानी ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया या फिर यहीं पे जाके स्टोर हो जाता है, ठीक। अब यही ऑर्गन लेवल के बाद जब यही सेलुलर लेवल पे जाने लग जाता है तो क्या होता है, ड्रग का दोबारा से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम रीडिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन का फायदा भी है और नुकसान भी है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन तो समझ में आ गया ना, यानी एक ही ड्रग को दो बार फिर बार दोबारा फिर से मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूट होना, यही रीडिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। और इसका फायदा क्या है और इसका नुकसान क्या है? नुकसान ये है, जैसे कुछ ड्रग होता है वो उसका जो एक्शन होता है बहुत कम समय में अपना कंप्लीट कर लेता है, और कुछ ड्रग होते हैं अपने एक्शन को काफी समय लगाते हैं कंप्लीट करने में। तो जो ड्रग, हम एक चीज पहले यहां समझने की कोशिश करते हैं, यहां देखिए, जब ये ड्रग डोज फॉर्म में था तो यहां पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इस ड्रग का रिच अमाउंट में था, राइट। हमने आईवी रूट से प्रेशर इंसर्ट किया तो आर्टरी को पंक्चर करके इसके अंदर आया, प्लाज्मा के अंदर आया, तो हाई ग्रेडियंट टू लो ग्रेडियंट फ्लो हुआ। फिर यहां पे हाई ग्रेडियंट जब डेवलप हो गया ड्रग का, तो फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, सॉरी प्लाज्मा के अंदर, ब्लड ब्लड स्ट्रीम के अंदर, तो हाई ग्रेडियंट से लो ग्रेडियंट में फिर ये डिफ्यूजन के थ्रू ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया हाई टू लो। फिर यहां पे ये हाई कंसंट्रेशन यहां पे डेवलप हुआ यहां पे, और फिर यहां से फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हाई टू लो फिर ऐसे फ्लो करेगा। अब इसका देखिए, जब किसी ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन के बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन होने लग जाता है तो यहां पे जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो हाई था यहां से धीरे धीरे लो होने लग जाएगा, और तब तक डिस्ट्रीब्यूट होगा जब तक इक्विलिब्रियम में मेंटेन ना कर ले, राइट। तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के समय तक ये डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा। मान लीजिए हमारा एक्शन साइट या ये है एक्शन साइट जहां पे इस ड्रग को काम करना है ऑर्गन लेवल पे, यहाँ पे काम करना है, तो ये ड्रग हम यहाँ पे काम करना है तो हमारा यही कोशिश रहेगा ना कि यहाँ पे ड्रग का जो कंसंट्रेशन है वो रिच रखे। अब ड्रग का कंसंट्रेशन अगर रिच रहेगा
तो अच्छे से काम कर पाएंगे, सारे रिसेप्टर इससे बाइंड कर पाएंगे और इसके अंदर जो चेंजेस करने हैं वो हमारा मकसद पूरा हो पाएगा। लेकिन यदि ड्रग का किसी कारण से अगर उसका रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जा रहा है तो यहाँ हाई कंसेंट्रेशन जो डेवलप हो रहा है वो सीधा लो हो जाएगा, वो तो मेंटेन ही नहीं हो पाएगा। तो रिडिस्ट्रीब्यूशन का क्या है, एक नुकसान है। तो रिडिस्ट्रीब्यूशन में यही होता है, जैसे कि एनेस्थीसिया के केस में हम देखते हैं, एनेस्थीसिया का जो पेशेंट होता है तो उसमें हर थोड़ी देर थोड़े समय के बाद ही, जैसे कि 2 ml अगर अभी दिया आपने, कोई ड्रग इंसर्ट करते हैं, तो हम देखते हैं सर्जरी के टाइम पे, ये नहीं कि हम बहुत एक ही बार में सारे के सारे ड्रग को इंसर्ट कर देते हैं, 10 मिनट के बाद या 5 मिनट के गैप पे जो एनेस्थीसिया वाले होते हैं वो अपना देखते हैं और फिर उसके बाद वो मतलब इंसर्ट करते रहते हैं। ऐसा क्यों? वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि अगर वो आईवी रूट से कोई भी मेडिसिन अगर दे रहे हैं, चाहे किसी भी रूट से, मान लीजिए एनेस्थीसिया में आईवी दिया जाता है, अगर वो दे रहे हैं तो यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम में आएगा वो ड्रग, ब्लड स्ट्रीम से टारगेट ऑर्गन पे, अगर उसका ये है यहाँ पे है या टारगेट साइट यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये ड्रग का कंसंट्रेशन अगर रिडिस्ट्रीब्यूशन होने लग जाएगा तो डाउन हो जाएगा। और जो एनेस्थीसिया वाले जितने ड्रग होते हैं उसका रिडिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही फास्ट होता है और बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन मेंटेन रहे तो हर कुछ मिनट के बाद या कुछ 5 या 10 मिनट के गैप पे वो ड्रग को बार बार इंसर्ट करते रहते हैं ताकि यहाँ का जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो मेंटेन रहे, बना रहे, और जितने समय तक हम चाहते हैं उस पेशेंट को बेहोश करके रखना ताकि सर्जरी में कोई दिक्कत ना आए, उतने समय तक हम इसको मेंटेन करके करके हम उसे सर्जरी करा लेते हैं। अगर हम उसको बार बार ना करें तो दिक्कत हो जाएगा। अगर हम उसको एक ही बार में इंसर्ट कर दे सारे ड्रग को तो क्या नुकसान होगा, फिर यहाँ पे ओवरडोज हो जाएगा। ओवरडोज होने के कारण फिर उसके ओवरडोज के जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं वो दिखाने लग जाएगा। ठीक है, तो रिडिस्ट्रीब्यूशन हमारे लिए फायदेमंद भी हो, नुकसान भी होता है, फायदेमंद भी। हमने तो नुकसान देख लिया, क्या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मतलब हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाए नहीं रखता है बल्कि उसको रिड्यूस करता है। तो इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि जब एलिमिनेशन करना होता है, उस ड्रग को बाहर निकालना होता है, तो हमारे लिए जो इस रीजन से अगर हमारे ड्रग को जल्दी से जल्दी बाहर निकालना है तो यही जिसका रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है तो तुरंत ये रिडिस्ट्रीब्यूशन होकर यहाँ पे चला जाता है। ठीक है, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है रिडिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन का ही, जितने भी यहाँ पे रिसेप्टर है अगर सारे ब्लॉक हो गए तो फिर आगे ये नहीं जा पाते हैं, या फिर इसके रिसेप्टर सारे ब्लॉक कर हो गए, यहाँ पे जितने भी रिसेप्टर लगे पड़े हैं सारे रिसेप्टर यदि इसके ब्लॉक हो गए, बाइंड कर गए, तो फिर यहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूशन भी बंद हो जाता है। ठीक है, तो इसका नुकसान ये है, फायदा यही है कि एलिमिनेशन प्रोसेस में हमें यहाँ से जो टारगेट साइट होता है वो हमारा सेफ रहता है और इजीली हम उसको एलिमिनेट कर पाते हैं क्योंकि यहाँ से ड्रग रिमूव होके आगे की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो इसका फायदा ये है, नुकसान ये है। तो ड्रग का रिडिस्ट्रीब्यूशन यही था कि किसी भी ड्रग का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसके बाद फिर से उसका डिस्ट्रीब्यूशन सेल या टिश्यू लेवल पे होने लग जाए तो उसको हम रिडिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड नया एक टॉपिक देखेंगे और उसमें क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगला हमारा टॉपिक होगा BBB, दैट मीन्स ब्लड ब्रेन बैरियर। हम इसको जानने की कोशिश करेंगे होता क्या है और कैसे काम करता है, इसका एप्लीकेशन क्या है। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक में। थैंक यू।